सबसे पहली डेफिनेशन लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली When its position changes body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object with respect With respect to a stationary object, with respect to a stationary object taken as reference point. Taken as reference point. तो किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में नहीं है, जो कि फिक्स्ड है, तो अगर उसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है या नहीं। अब क्या तरीका है उसका? फॉर एग्जाम्पल आप सोचिएगा कि ये एक रोड है, मान लीजिए कि दिस इज अ रोड और यहां पर रोड के किनारे एक ट्री है ना। आप मान लीजिए कि यहां पर एक ट्री है और यहां पर इस तरह एक कार है यहां पर। अब थोड़ी देर बाद यही कार आप ये देखिएगा, हमने ये कहा कि जब भी कभी किसी हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यानी कि किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बीच में एक ट्री लगा हुआ है। अब इस ट्री का मतलब क्या है कि मैं अगर ऐसे ही देखता हूँ, इनिशियली मैं अगर ऐसे ही देखता हूँ तो यहाँ पर एक कार है इस ट्री से थोड़ा सा पहले, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि कार चलती हुई आ रही है ऐसे ऐसे और फिर ये इस ट्री को क्रॉस कर जाती है। तो हमने ये कहा कि मोशन क्या होता है मैं नहीं जानता, कोई चीज चलती है या कोई चीज रुकती है ये भी मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि ये ट्री है, थोड़ी देर पहले ये जो कार थी ये इस ट्री से पहले थी और थोड़ी देर बाद ये जो कार है ये इस ट्री के बाद दिखाई दी मेरे को। ठीक है, तो हम तो रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो गया, ट्री। तो ट्री को मैं रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले तो कार ट्री से पहले थी, थोड़ी देर बाद ये कार ट्री के बाद नजर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि द कार इज इन मोशन। तो अगर किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, पोजीशन क्या था, पहले तो कार थी पहले, अब कार है बाद में, तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हुई। पहले तो मैं बैठा हुआ था इधर वाली चेयर पर, थोड़ी देर बाद में बैठ गया इधर वाली चेयर पर, दैट मीन्स आई हैव मूव्ड, दैट मीन्स आई हैव शोन मोशन, दिस इज कॉल्ड मोशन। समझ गए?
उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले लिखिएगा एडिंग डालिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मैंने मैथ्स में कुछ होमवर्क किया था आप लोगों को कल, क्या करा आपने कंप्लीट? यस सर। ठीक मुझे बताऊंगा उसी में होमवर्क बताऊंगा अभी, पहले एक हफ्ते फिर बता लास्ट पेज 5 या 10 मिनट में बताओ। ठीक है देखिए अब है नोट करें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी The distance traveled by the body is the actual length of the path covered is the actual length of the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। Irrespective of the direction in which the body travels, in which the body travels। अभी एक चीज है डिस्टेंस, डिस्टेंस हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं अपने घर से अपने स्कूल तक जाता हूँ तो अगर मैं एक मेजरिंग टेप लेकर, मेजरिंग टेप आपने सुना है, मेजरिंग टेप जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं, तो अगर मैं अपने घर से स्कूल तक जाता हूँ और मैं एक मेजरिंग टेप लेकर पूरी रोड की लेंथ मेजर करूँ अपने घर से स्कूल तक, ठीक है, तो दैट टोटल लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। अब मेरा स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में लाई करता है, वेस्ट डायरेक्शन में लाई करता है, ईस्ट में है, या मैं घूम कर जा रहा हूँ या किसी गली में से निकल कर जा रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। रोड का टोटल डिस्टेंस जो मेरे घर से लेकर और मेरे स्कूल तक, उसमें कर्व्स भी हो सकते हैं, उसमें छोटी एक नैरो गली भी हो सकती है, एक चौड़ी रोड भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है, वो टोटल जो लेंथ है दैट टोटल लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाना, ठीक है, अपनी जगह से हट जाना, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ और फिर ग्राफिकली डायग्रामेटिकली आप समझ जाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, और बेहद आसान है। लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ये तो पहली डेफिनेशन हो गई डिस्टेंस की, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पाथ, a straight line path, और ब्रैकेट में लिखिएगा shortest, the straight line path, ब्रैकेट में लिखिएगा shortest between the initial
एंड फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट gives us the displacement. Gives us the displacement. उसके बाद यहां पर लिख दीजिए it is a vector quantity. It is a vector quantity. स्केलर क्वांटिटी अभी हमारे लिए एक चीज नहीं है, हम नहीं जानते क्या होता है स्केलर, हम नहीं जानते क्या होता है वेक्टर। देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मैंने ये बोला कि मुझे कोई भी अगर या मैं आपको बोलता हूँ या आप मेरे को बोल देते हैं, हम अगर ये कहते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करो, या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाना शुरू करो, तो ये भी तो पूछा जाएगा ना कि साइकिल किस डायरेक्शन में चलाऊं या किस डायरेक्शन का दौड़ूं या ऐसे ही कहीं भी दौड़ना शुरू कर दें। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को बोल दिया कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करो, तो एक तो पता चला नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ने लगा, एक वेस्ट में चला गया, एक ईस्ट में चला गया, एक नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, तो सारे बच्चे खो जाएंगे, कोई किधर कोई किधर कोई किधर पहुंच जाएगा। तो विल इट बी कॉल्ड एन एथलेटिक रेस? नहीं कह सकते ना, उसको रेस तो नहीं कहा जा सकता कि कोई रेस लगी हुई है, कोई कॉम्पिटिशन है नहीं। अच्छा, जब रेस होती है, जब कोई एथलेटिक रेस का कॉम्पिटिशन होता है, तो तब उसमें सीधा सीधा ये बोला जाता है कि भाई ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। इसका मतलब वहां एक डायरेक्शन होती है कि आप सभी को इसी डायरेक्शन में दौड़ लगानी है। इस डायरेक्शन में दौड़ लगाओगे तो आपके पास एक स्पीड भी है कि आप अपनी स्पीड से दौड़ रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, एनीथिंग, जो भी आपकी स्पीड है उससे आप दौड़ रहे हैं, एंड यू आर रनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ लगा रहे हैं। तो व्हेनेवर वी हैव एनीथिंग विद मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जब मेरे पास कोई भी चीज मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, तो तब मैं ये कहूंगा कि हाँ वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे फोर्स है तो आपको पता होगा फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना। आपसे कोई कहते हैं कि भाई 5 न्यूटन की फोर्स लगा दो, 5 न्यूटन की फोर्स लगा दो, तो आप कहोगे किधर लगाऊं, इस दीवार पर फोर्स लगाऊं, जमीन पर फोर्स लगाऊं, या इस टेबल पर फोर्स लगाऊं, किधर लगाऊं, फोर्स किधर लगानी है, या सामने मेरे एक लड़का खड़ा हुआ है उसको धक्का दे दूं 5 न्यूटन की फोर्स से, है ना। तो ये हम सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे ये कहा जाएगा कि आप कोई भी मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि 5 न्यूटन की फोर्स है, तो जब सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन है तो आप कहेंगे दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ जहां पर भी डायरेक्शन आ गई तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस में कभी कोई डायरेक्शन नहीं होता। हमसे अगर ये कह दिया गया 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर कहीं भी हो सकता है, 50 किलोमीटर मेरठ की तरफ चले जाओ, 50 किलोमीटर दिल्ली की तरफ चले जाओ। दोबारा बताता हूँ, हम ये कहते हैं कि जब भी कभी हमसे ये बोल दिया गया कि 50 किलोमीटर चले जाओ, है ना, तो 50 किलोमीटर चले जाओ का मतलब क्या, कहाँ चला जाओ, कोई डायरेक्शन तो होगी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हमें ये नहीं पता, आपको बस 50 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो आपने 50 किलोमीटर आप जहां आपका मन करा आप सीधे टेढ़े मेढ़े कैसे भी आपने चलना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो आपका डिस्टेंस हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी जाओ जहां आपका मन करे। फिर वो बोलते नहीं 50 किलोमीटर आपको जाना है, कहाँ जाना है, जयपुर हाईवे पर जाना है आपको 50 किलोमीटर। इसका मतलब अब आपके पास एक डायरेक्शन है,
कि आपको उसी एक पाथ में सीधा सीधा 50 किलोमीटर तक जाना है। तो आपके पास 50 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया टोटल लेंथ के, मेरे को इतना पाथ ट्रेवल करना है, और एक डायरेक्शन भी हो गई कि मुझे जयपुर की तरफ जाना। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक मैग्निट्यूड यानी कि एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है 50 किलोमीटर है ना, और डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स जयपुर। तो आपके पास डायरेक्शन भी है और आपके पास मैग्नीट्यूड भी है। किसी भी चीज की वैल्यू को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, और उसके डायरेक्शन को वो डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ है तो दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। मेरे से कोई कहे कि मेरे अंदर 10 न्यूटन की मैं फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है, मैंने खाना वाना खा रखा है, पूरी एनर्जी मेरे अंदर, तो इसका मतलब मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है। तो 10 न्यूटन की फोर्स लगा सकते हैं, तो हम किधर भी लगा सकते हैं, क्या हम इसको वॉल को मतलब सीलिंग को पुश करें, क्या करें? उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी जो वॉल है आप वॉल को पुश करिए। तो अब आप 10 न्यूटन की फोर्स यानी कि मैग्नीट्यूड भी लगा रहे हैं और एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स दिस वॉल। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जहां मिल जाए उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्लियर सर? बताइए बताइए सर, एक डाउट है। हाँ जी बोलो सर। डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आया। अभी डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूँ बेटा। ओके सर। अब आप ये देखिएगा कि मैं आता हूँ वापस, पहले स्केलर क्वांटिटी मेंशन करूंगा, फिर वेक्टर क्वांटिटी मेंशन करूंगा, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को साथ साथ आपको समझाता हूँ, तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन बड़ी अजीब सी लग रही है इसकी, तो डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, है ना। तो चलो देखते हैं। अभी कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, लिखिएगा स्केलर क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी any quantity which has magnitude only is called a scalar quantity, is called a scalar quantity. For example, mass, comma, distance, etc. ये स्केलर क्वांटिटी है, डिटेल में अभी बताऊंगा एक एक चीज, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में लिखिएगा एनी क्वांटिटी विच हैज, एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is called a vector quantity. Is called a vector quantity. Example, force, displacement, एक्सेट्रा। अभी डेफिनेशन लिखी रहने दीजिए, और मैं एक छोटा सा आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूंगा, तो शायद चीज थोड़ी सी समझ में आएगी। हमने ये कहा कि ये पॉइंट है ए, मैंने एक स्कूटर लिया या साइकिल ली और मैं उससे ए से बी तक गया, ये लेंथ है 2 किलोमीटर, ठीक है।
2 किलोमीटर. बेटा ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर. ठीक है, यस सर. ठीक है बेटा, 2 किलोमीटर. तो मैं ए से बी तक गया 2 किलोमीटर, फिर मैं यहाँ पर बी पर आकर एक रोड इधर मुड़ी, तो मैं इस तरफ मुड़ गया. यहाँ पर मैं गया 1 किलोमीटर, फिर मैं बी से सी तक गया 2 किलोमीटर, फिर सी से डी तक गया 2 किलोमीटर, इतना हो गया. और एक काम हमने ऐसे करा कि ए से लेकर डी तक का एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ऐसे. तो ये टोटल है 5 किलोमीटर, ये टोटल है 5 किलोमीटर. ठीक है, अब जरा देखिएगा, इस केस में हम बोलेंगे हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना होगा. अब जरा ना डेफिनेशन की बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन की. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स. बॉडी किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करे मुझे मतलब नहीं है. मैंने क्या करा, मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट करा, पहले मैं गया बी तक, तो कितना गया 2 किलोमीटर. तो यहाँ पर देखिएगा मैं कहाँ से कहाँ तक गया, सबसे पहले ए से बी तक, तो लिखिए ए बी. फिर क्या हुआ, ये वाला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, मुझे इस पॉइंट को बेटा बोल दीजिए ई, इसको ई बोल दीजिए. तो अब क्या हुआ कि पहले मैं ए से बी तक गया, फिर गया बी से ई तक, तो लिखिएगा बी ई. फिर हम गए ई से लेकर सी तक, तो इसको बोल दीजिए ई सी. फिर हम गए सी से डी तक, तो इसको लिखिए सी डी. अब ए से बी तक हम गए, तो ए बी की लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर, 2 हो गया. बी से ई तक की लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, तो ये 1 हो गया. ई से सी तक की लेंथ है 2 किलोमीटर, ये 2 हो गया. सी से डी तक की लेंथ कितनी है, ये भी 2 किलोमीटर. ठीक है, अभी टोटल करो तो 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 + 2 = 7 किलोमीटर. 7 किलोमीटर आ गया. और कोई पर्टिकुलर या कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? और उस पर पहले ये बताइए कि ए से बी तक गए, बी से ई तक गए, ई से सी तक गए, सी से डी तक गए. मैं ऐसे घूमता फिरता इधर उधर चलता हुआ मैं ए से लेकर डी तक पहुंच गया. मान लीजिए कि ए मेरा स्कूल है और डी मेरा घर है, मैं घूमते फिरते अपना पहुंच रहा हूँ धीरे 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 मैं अपना आराम से. ठीक है, तो 7 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. पहले इधर गया, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, तो पूरे पाथ की क्या कोई एक फिक्स डायरेक्शन है? नहीं, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है. थोड़ी थोड़ी देर पर मैं मुड़ रहा हूँ. ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन देखिए क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ, और ब्रैकेट में मैंने मेंशन करा है शॉर्टेस्ट. द स्ट्रेट लाइन पाथ शॉर्टेस्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पोजीशन क्या है कि शुरुआती पोजीशन. तो शुरुआती पोजीशन क्या थी कि मैं यहां पर था पॉइंट ए पर. फाइनली कहां मैं पहुंच गया, पॉइंट डी पर. हम क्या करेंगे, ए और डी को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसकी एक पर्टिकुलर और फिक्स डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन क्या होगी, ए से लेकर डी तक, है ना, क्योंकि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है. बेसिकली मैंने ए से स्टार्ट करा और डी तक पहुंचा. तो ए से लेकर डी तक का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो कितना है, 5 किलोमीटर. तो ये जो 5 किलोमीटर है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. हम किधर भी घूमे, इधर उधर कहीं भी घूमे, है ना, तो वो जो टोटल हम इधर उधर घूम रहे हैं, वो जो टोटल लेंथ है ना पाथ की, वो तो कहलाता है डिस्टेंस. लेकिन जो हमारा इनिशियल पोजीशन है और जो हमारी फाइनल पोजीशन है, उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन पाथ से अगर ज्वाइन कर दे, तो उसकी जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्लियर है देवांश? यस सर. ठीक है वेदा, बताइए वेदा, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट
is equal to AD, यानी कि 5 किलोमीटर. ऐसा क्या है कि हम अगर मान लीजिए हमको दिल्ली से मुंबई जाना है, हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो अगर हम बाय रोड जाते हैं तो हमें रोड पर न जाने कितने कट मिलेंगे. पहले हम दिल्ली से बाहर निकलेंगे, तो दिल्ली से बाहर पहले हम राजस्थान जाएंगे, तो राजस्थान जाने के लिए बीच में हो सकता है 5, 6 या 10 कट मिले हमको. राइट मुड़ना है, अभी लेफ्ट मुड़ना है, अभी सीधे जाना है, अभी ऐसे जाना है, अभी वैसे जाना है. ठीक है, बहुत सारे फ्लाईओवर्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे ब्रिजेस मिलेंगे, बहुत सारे अंडरपास मिलेंगे, है ना. फिर उसके बाद राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, फिर मध्य प्रदेश के बाद हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे, तब फाइनली हम मुंबई पहुंचेंगे दिल्ली से. ठीक है, बहुत सारा अलग 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 रोड का पाथ ट्रेवल करते हुए. अच्छा, बड़ा टाइम लगता है भाई, 17 घंटे 18 घंटे 20 घंटे लग जाते हैं वहां पहुंचने में, मतलब पूरा दिन लग जाता है. ठीक है, वो भी नॉन स्टॉप, जब आप चलते जाएंगे बड़ा टाइम लगता है. वहीं अगर आप फ्लाइट से जाएं तो फ्लाइट से आप 2 घंटे में पहुंच जाते हो. ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लाइट जो है, फ्लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है, क्योंकि ऊपर आसमान में हवा में कोई गलियां नहीं होती, वहां पर कोई कट नहीं होते कि आपको पहले इधर मुड़ना है, प्लेन को इधर मुड़ना है, फिर इधर मुड़ना है, फिर ऐसे, वो कुछ नहीं होता. वो सीधा दिल्ली से चला और सीधा मुंबई पर जाकर लैंड हो गया. ठीक है, तो उसको कहीं मुड़ना नहीं होता. तो वो जो एयर में जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट. जो एयर डिस्टेंस होता है, एयर वे जो होता है, दैट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट. और जो रोड वे होता है, वो रोड वे हमेशा हमारा डिस्टेंस ही होता है. इसीलिए एरोप्लेन में टाइम कम लगता है और बाई रोड आपको टाइम ज्यादा लगता है. मोरोवर, खैर उसके अंदर जो उसका इंजन है, इंजन की भी पावर ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड से चल सकता है वो. ठीक है ना, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एयर में लिया जाएगा. समझ गए मेरी बात, क्लियर है? तो ये हमारा, अब ए से लेकर घूमते फिरते पहुंचे डी पर, तो ये जो टोटल लेंथ है ये तो हो गया डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में 5 किलोमीटर. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट. अब जरा एक चीज देखिएगा, अब ध्यान से समझना और मुझे बताना. आप लोगों ने सर्कल पढ़ रखा है, सर्कल आप जानते हैं, सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का एरिया, सर्कमफेरेंस सब पता है. ठीक है, चलिए. तो अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जैसे एस ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल हो गया. सर्कल में क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा, ज्यादातर जैसे पार्क्स होते हैं, वो पार्क्स ज्यादातर जो होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, तो वो सर्कल की शेप में होते हैं, उसका कोई रेडियस होता है. स्टेडियम्स जो होते हैं वो भी सर्कुलर शेप में होते हैं. ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है. और मैं क्या करता हूं, मैं सर्कल रिमूव करके सेमी सर्कल छोड़ देता हूं बस. ठीक है, अब यहां पॉइंट है बेटा ए और ये वाला पॉइंट है बी. एक्सक्यूज मी सर. हां जी बताइए. जस्ट मम्मी ने कहा था तो अभी मुझे जाना होगा. हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, मैं अगली क्लास में आ जाऊंगा. कोई बात नहीं, मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, देख लेना. आपने आज भी देखा होगा ग्रुप पर, मैंने वीडियो लिंक भेजा था. ठीक है जी, ओके, बाय सर. ओके बाय. अब आप ये देखिएगा, ए से लेकर बी तक आपसे मैं पूछ रहे हैं डिस्टेंस बताइए. और ये जो रेडियस है ना इसका सर्कल का, रेडियस दे रखा है 7 मीटर. रेडियस दे रखा है 7 मीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेकर बी तक ये जो पाथ है, ये जो कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ की लेंथ बताइए। तो जो पूरा सर्कल होता है, उस सर्कल का जो पूरा पाथ बनता है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कल की पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। बिल्कुल ठीक, सर्कमफेरेंस। सर्कल का जो एरिया होता है बीच का वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है बेटा? सर 2πr। 2πr, बहुत बढ़िया। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, लेकिन सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है सर? हाफ इंटू 2πr। हाफ इंटू 2πr, सेमी सर्कल का मतलब आधे सर्कल। आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2πr मतलब पाई आर। भाई हाफ इंटू 2πr अगर हम करेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, बेटा ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया पाई आर। आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, बताएंगे सर? 22/7। 22/7, वेरी गुड। तो पाई की जगह मैंने वैल्यू डाला 22/7। रेडियस कितना दे रखा है? 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 मीटर इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। अब जरा कोई भी बच्चा मेरे को ये बता दो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा? ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। सोचो और सोचो, बताओ। 14 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमने कहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है? ए से स्टार्ट करी और बी तक पहुंचे, तो ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया उसका सर्कमफेरेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी तक स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन पाथ, यहां से लेकर यहां तक 7 तो ये हो गया, और ये क्या है? ये भी तो 7 है, ये भी तो रेडियस है, समझ गए? तो ये क्या हो गया? डायमीटर। रेडियस का डबल, वही तो डायमीटर होता है। नहीं समझे? नहीं समझे, दोबारा बताते हैं। हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन को, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन करना पड़ता है, ठीक है? तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी कि ए और बी को अगर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? डायमीटर, है ना? और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। रेडियस कितना है? 7। रेडियस का डबल कितना होगा? 14। बताइए, क्लियर है दिवांश? क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा देखिए यार, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू diameter of this semicircle, diameter of this semicircle, diameter क्या होता है? radius का डबल, यानी कि 2 into r, 2 multiplied by 7 मतलब 14 meter। 14 meter हो गया इसका displacement। तो displacement is always shortest straight line path between the initial and final position। चलिए जी, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स equal distances in equal intervals a body is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. ठीक है, अब देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन A body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distances in equal equal intervals of time. अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यानी कि बराबर टाइम ड्यूरेशन में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करें, जैसे कि अगर वो एक सेकंड में एक मीटर ट्रेवल कर रहा है या एक सेकंड में मान लो वो 2 मीटर ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी, तो 2 सेकंड में कितना करेगा 4, 3 सेकंड में कितना करेगा 6, 4 सेकंड में कितना करेगा 8, तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है यानी कि एक सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। कैसे कि 1 सेकंड में 2 है तो 2 सेकंड में 4, 2 2 4, 3 सेकंड में 6 हो गया, 3 2 6, 4 सेकंड में 8 हो गया, 4 2 8, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, आपको पता है कि हर एक सेकंड में वो 2 2 मीटर बढ़ता चला जाएगा, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। फिर बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर 1 सेकंड में एक बॉडी जो है वो 2 मीटर चलती है, अगले 1 सेकंड में पता नहीं कौन सा ग्लूकोन डी पी लेता है, वो क्या कर लेता है, अगले सेकंड में वो जो है 10 मीटर चला जाता है एकदम सीधा। ठीक है, तो ये क्या कुछ यूनिफॉर्म हुआ? नहीं, पहले सेकंड में तो तुम सिर्फ 2 मीटर चले, अगले सेकंड में तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुमने सीधा सीधा 10 मीटर का जंप लगा दिया, फिर अगले 1 सेकंड में तुम चले ही नहीं, तुम सो गए। ठीक है, फिर अगले सेकंड में तुम धीरे धीरे 3 मीटर चल गए, है ना। तो ये क्या है कि दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में यह है कि मैं हर सेकंड में बराबर 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 डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यह है कि मैं हर सेकंड में बिल्कुल बेकार बिल्कुल अनइवन डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। That is called non-uniform motion. जैसे अगर 1 किलोमीटर कर रहा तो फिर अगले में 2 किलोमीटर, हाँ, अगले में पहले में 1, दूसरे में 2 किलोमीटर, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अपने घर से अपने स्कूल तक अगर मैं स्कूटर पर जाता हूँ तो क्या मेरा स्कूटर सेम स्पीड पर चलेगा? नहीं भाई, थोड़ी देर में हो सकता है ट्रैफिक बढ़ जाए तो मेरे स्कूटर की स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ी देर में ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा तो स्कूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर थोड़ी देर में क्या होगा कहीं पर रेड लाइट है तो रेड लाइट पर मेरे को ट्रैफिक सिग्नल पर मेरे को रुकना पड़ेगा अगर रेड सिग्नल हो रखा है। ठीक है ना, तो धीरे 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 मेरी स्पीड वेरी होती रहती है, तो व्हेनेवर द स्पीड वेरीज दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब हमको दिखाई देता है कि रास्ता बिल्कुल खुला है, ठीक है, और हम 20 किलोमीटर पर आ रहे या 30 किलोमीटर पर आ रही धीमी स्पीड से धीरे 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 चलते जा रहे हैं सेम स्पीड से कॉन्स्टेंट, तो उसका मतलब क्या है कि
कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, और मुझे कल का होमवर्क दिखा दीजिए और डाउट्स बता दो। सिमर और देवांश, जो भी मैं होमवर्क भेज रहा हूँ तो आप लोग मेरे को उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया करो। ओके सर। होमवर्क दिखाइए। आंसर मैच कर दिया है? राइटिंग थोड़ी सी अपनी साफ करो। तो और एक काम है, तुम बेटा साइंस के मैथ्स के नोटबुक अलग अलग रखना। हां मैं तो बताइए जी, डाउट कौन सा ये है? 999437/999। चलो तो पहले ये वाला कर लेते हैं, 437/999। एक क्वेश्चन देखते हैं जी। तो डिवाइड तो होगा नहीं है, 437 से तो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या करा? जीरो। ट्रिपल नाइन जीरो कितना हो गया? जीरो। तो 437 में से जीरो गया, तो 437 पॉइंट जीरो लगाया, इस जीरो को नीचे ले आए, 4370। ठीक है, अब 999 जो है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग समझ लो 1000 है, 1000 है, तो 1000 फोरजा कर दूंगा तो 4000 आ जाएगा, तो 999 फोरजा कर दो, 4 9 36 थ्री कैरी, 4 9 36 और 3 39 अगेन थ्री कैरी, 4 9 36 और 3 30 3996 सबट्रैक्ट करिए 10 - 6 4 374। ठीक है, फिर एक और जीरो हमने लगाया तो 3740 आ गया, 3740। तो अब 999 यानी कि 1000 है, 1000 4 4000 हो जाएगा, तो 4000 तो बड़ा हो गया, तो 3000 मतलब वही चाहिए, 3 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2997। ठीक है, सबट्रैक्ट करिए, कितना आ रहा है? 740। पक्का? नहीं, 10 - 7 तो 3 हो गया, यहाँ क्या बचेगा? हाँ ठीक है, यहाँ बचेगा 3 39 740। ठीक, 743 हो गया, फिर एक और जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? 6 9 9 3। ठीक है, 7 9 63 और 6 कैरी आ गया, 7 9 63 और 6 कितना हो गया? 69। फिर से 6 कैरी, 7 9 63 और 9 63 और 6 69 793। सबट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 437 आते ही यहाँ पर जीरो आ गया, फिर वही 4370, तो इसका मतलब क्या होगा? रिपीट होना शुरू। तो फिर से क्या करेंगे? 3996 क्या आएगा? 4 जा, इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 437। तो 437/999 is equal to 0.437 का बार। ठीक है, समझ गए? अब चलिए जी, बाकी जो डाउट्स हो वो अपना मंडे को मेरे को बता देना, और अब कल की छुट्टी रहेगी,
और परसों आपकी क्लास वही सेम टाइम 7 बजे। साइंस ये कंटिन्यू करेंगे आप। ओके गुड इवनिंग सर। ओके बाय सर। ओके।